स्टूडेंट सुबह 10 बजे आता था और वो रात को 2-3 बजे अकेडमी से बाहर जाता था। तान कैसे ठीक होगा? रिसेंटली मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि जिन्होंने एनर्जी बढ़ दी। तो बेसिकली इसका पूरे का पूरा सिस्टम हमने ड्रॉप शिपिंग का एक बना लिया। ये एक आसान है, सस्ता है, जल्दी वो स्टार्ट हो सकता आपके है, आपके हाथ में, आपके कंट्रोल क्योंकि में। पाकिस्तानी बच्चे थोड़े से आपने देखो उनकी हिम्मत बहुत जज्बाती है। उनको उनको आज उन्होंने कोर्स स्टार्ट किया तो कल उन्होंने कमाना है। देखिए और उनका बच्चा वो है जो कि कामयाब भी हो रहा है। सही, सनी भाई का एक विजन है या वो उसको लेके चीजों को चल रहा है। अच्छा, मैंने उसको पूरा स्टूडियो बना के दिया, वो शूट भी वहीं पे कर रहा है, वो वहीं पे बैठ के सारे काम कर रहा है और कोर्स खत्म होने से पहले 50,000-60,000 ऑन एवरेज हर बंदा कमा रहा है। सही, स्टोर बना के देना है। ओके, उसके ग्राफिक्स हैं, कंटेंट है, मार्केटिंग है। अब वो कहते हैं मार्केटिंग 24 घंटे चलने वाली जॉब है। और उनका बच्चा वो है जो कि कामयाब भी हो रहा है। सही, सनी भाई का एक विजन है या वो उसको लेके चीजों को चल रहा है तो उनके साथ पार्टनरशिप करने का। जी सलाम अलैकुम। तो आज हैदर काजी को हमने पकड़ा है बहुत मुश्किल से, ये बहुत लोगों की पॉडकास्ट कर रहे होते हैं तो आज हम हैदर काजी से पूछेंगे सबसे पहले कि आपने को 35-40 पॉडकास्ट कर ली हैं, एक नटशेल में अगर लेके जाएं तमाम पॉडकास्ट को। अच्छा उमर, जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट की बेसिकली तो ये एक शौक था, एक जिसे कहते हैं कि एक अर्थ थी और एक डिमांड थी मार्केट की कि यार लोगों तक एक चीज़ पहुंचा सकें। इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं और एक्सपर्ट का टाइम लेना बहुत मुश्किल होता है। उन एक्सपर्ट का टाइम लेने के बाद उनके अंदर से बातें निकलवाना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि एक्सपर्ट पहले लेके आए, फिर उनके अंदर से बातें निकलवाएं, फिर उनके टाइम पे मैनेज करें। और ये लोग जो देख रहे हैं उनके लिए बहुत आसान है, शायद उनको देखने में आसान लगता है लेकिन इसके पीछे कितनी जान लगती है ये आपको भी पता है। बैक स्टेज सारा आपने संभाला होता है, लाइट कंट्रोल करना, कैमरा इधर रखना, फिर वॉइस उसकी सिंक्रोनाइजेशन, तो इट्स अ हेल लॉट ऑफ वर्क। तो शुरू शुरू में जब मेहनत करते थे पॉडकास्ट रिकॉर्ड की, हमने देखा, हमने पैगाम पहुँचाया तो हमने देखा पता नहीं यार लोगों को आएगा नहीं आएगा, लेकिन जब बच्चों का रिस्पांस मिलना स्टार्ट हुआ ना तो उसने एक बहुत ज़्यादा अर्ग प्रोड्यूस की, एक एड्रेनलिन दी आपको कि यार नहीं आपको सिखाना है, आपको बताना है। और रिसेंटली मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि जिन्होंने एनर्जी बढ़ दी। तो जब भी हमारी एनर्जी डाउन होती है ना वो एनर्जी फिर से अंदर आ जाती है। लेकिन क्रक्स ये है कि मार्केट के अंदर कामयाब लोग भरे पड़े हैं लेकिन वो कामयाब लोग ना हाईलाइट होकर आगे नहीं आ रहे, वो किसी और को नहीं बता रहे, वो किसी और तक नहीं पहुंच रहा, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही। देखें हम जब यूनिवर्सिटी में थे तो हमें क्या था, हमें समझ नहीं आ रही थी मार्केटिंग लेनी है या एचआर लेनी है या क्या लेना, पर देखते थे आगे आने वाला स्कोप क्या है। जब तक वो करके निकलते हैं उसका स्कोप ही खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ जो है ना इस टाइम पे अगर राइट टाइम, इंडस्ट्री जितनी तेज़ी से चेंज हो रही है, राइट टाइम पे राइट नॉलेज ना डिलीवर किया गया तो आगे आने वाले वक्त में हम कुछ ही प्रोड्यूस करेंगे और कुछ ही प्रोड्यूस करेंगे तो फिर हम लोग नुकसान में रहेंगे, हमारा मुल्क कभी आगे नहीं चल सकेगा। तो बेसिकली ये इसकी काविश है और चल रही है और आई डोंट नो कब तक चलेगी लेकिन हम इंशाल्लाह लगे रहेंगे। बिल्कुल, हम कोशिश करते रहेंगे। और इधर भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता कि इसमें कोई भी ऐसा मशहूर बंदा नहीं आ रहा, ठीक है, जो कि आके सिर्फ बातें करता है या जो कि ऑलरेडी को 50 जगह पे ऑलरेडी मौजूद होता है। बिल्कुल, वो बंदा ढूंढ रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ, हमारे साथ टीम है, फराज है, दूसरे लोग हैं या आपकी भी इसमें काफ़ी सारी कोशिश होती है, उन लोगों को लेके आया जाए जो कि काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस हैड ऑन एक्सपीरियंस है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और वो कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। अब आपकी वो एक सीरीज आई थी ई कॉमर्स हेड के साथ, तो शायद किसी को पता नहीं है जे डॉट का ई कॉमर्स हेड कौन है। जे डॉट का तो सबको पता है, खाड़ी का सबको पता है, कैम्ब्रिज का सबको पता है, बट राजा नवीद का नहीं पता, उसका एक्सपीरियंस क्या है। ये वो लोग हैं जिनको शायद देखे हम लोग सीखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने 30-40 अरब रुपए की ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म, यार रिटेल शॉप की बात नहीं कर रहा, डॉलमेन मॉल, एम्पोरियम मॉल में, सेंटोरस मॉल की बात नहीं कर रहा कि वहाँ दुकान में लोग बहुत हैं, सेल बहुत, ये ई कॉमर्स की सेल कर रहे हैं यार इतनी ज़्यादा और लोगों को पता ही नहीं है। और वो टेक्नोलॉजी को कैसे बिल्डअप कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट ले रहे हैं, एक एक पॉइंट क्या है, किस तरीके कार से वर्किंग करनी है। छोटी सी वेबसाइट, जैसे अक्सर मैं भी एग्जांपल शेयर करता हूँ, भी 4 दिन पहले एक छोटी सी वेबसाइट लॉन्च की, आज माशाल्लाह उस पर 6 लाख रुपए की सेल है। बिल्कुल छोटी सी वेबसाइट, और कितनी इन्वेस्टमेंट होगी उस पे? उस पे 3% 4% टोटल सेल का, 4% सेल की इन्वेस्टमेंट से आपने प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। अच्छा अब ये इतना आसान है, इतना अभी हमारे लिए इतना आसान है, अभी ये इतना आसान है लेकिन लोगों तक पहुँच नहीं रहा, लोगों तक जो है जा नहीं पा रहा। खैर इसी की काविश है, इंशाल्लाह हम ये आगे फैलाते रहेंगे, करते रहेंगे। इस सिलसिले में उमर कोई कोर्स वगैरह, कोई आप एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ मिलके कुछ करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी अगर बता दें। ओ, हम मिलके करना चाह रहे हैं, आप न्यूज एंकर बन गए। थोड़ा सा चाहूंगा कि आप बताएं एक्सट्रीम कॉमर्स का जो साथ प्लेटफॉर्म है, बेसिकली 2-3 रीजंस हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के साथ काम करने के। ऑलरेडी हम लोग काम कर भी रहे हैं, ठीक है। एक्सट्रीम कॉमर्स वो इदारा है जिसने डिलीवर किया है, ठीक है,
अगर अमेजोन की बात करें या उनके डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग और बहुत सारे कोर्सेज हैं वो जिसे मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। पहले मुझे लगता था सिर्फ अमेजोन है, ओके वो ई कॉमर्स भी पढ़ा रहे हैं, उनके पास शॉपिफाई भी है, उनके पास डिजिटल मार्केटिंग भी है, बहुत सारे कोर्सेज ऑलरेडी वो करवा रहे हैं। तो उनके साथ पार्टनरशिप करने का, कोलैब्स करने का यही रीज़न था कि हम लोग भी उस ऑडियंस तक पहुँचे जिनको लोकल ई कॉमर्स सीखना है, सही, जिनको लोकल ई कॉमर्स में आना है। अमेज़ॉन सनी भाई खुद कहते हैं अमेज़ॉन सबके लिए नहीं है, अमेज़ॉन का 40% 50% सक्सेस रेशो है। अब वो जो 50% लोग नहीं कर पाते वो क्या करें, जिसके पास अमेज़ॉन जितना पैसा नहीं है। सही, कल मुझे एक लड़का मिला, उसने बोला मुझे अमेज़ॉन करना है, तो उसको मैंने बोला जितने का आपको सिर्फ VPS सर्वर लेना है ना अमेज़ॉन का अकाउंट बनाने के लिए या वो पेमेंट प्रोसेस करने के लिए, उतने में पूरा लोकल ई कॉमर्स का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है जिसे आप पैसे कमाते हो। सही, तो मतलब ये एक आसान है, सस्ता है, जल्दी स्टार्ट हो सकता है आपके हाथ में, आपके कंट्रोल, क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे थोड़े से आपने देखोगे उनकी हिम्मत बहुत जज्बाती है, उनको उनको आज उन्होंने कोर्स स्टार्ट किया तो कल उन्होंने कमाना है। देखिए जिससे मैं कोर्स स्टार्ट करता हूँ जो सबसे पहली चीज़ होती है ना कि ई कॉमर्स इज इक्वल टू पेशेंस, सबर नहीं है तो ई कॉमर्स नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट, आप फेसबुक ऐड चलाती हो तो क्या उसी टाइम सेल आती है? नहीं, कितने टाइम बाद सेल आती है? कल आ जाएगी, एक दिन बाद आ जाएगी, मिनिमम एक दिन तो लगेगा, कम से कम 3 दिन आप कंपेन को डिलीवरी और वो सब प्रोडक्ट लर्निंग फेज में होता है, फिर वो डिलीवरी में जाता है, कम से कम 3 दिन सही, कम से कम। तो उमर ये ई कॉमर्स का जो कोर्स है, अब मैं, खैर मुझे तो पता है, मैं चाह रहा हूँ उनको भी बताएं कि ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का। देखिए इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, आपका इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शॉपिफाई, फेसबुक, आपका कैनवा, चैट GPT कंटेंट के लिए, आर्टवर्क के लिए, फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग, ठीक है, प्रोडक्ट सोर्सिंग की डिफरेंट चैनल्स बता रहे हैं, कुछ एक दो चैनल्स हमने खुद बिल्डअप किए हैं, अभी बहुत बिगनिंग लेवल पे है, 20 से 25 हज़ार प्रोडक्ट है अभी हमारे पास, जिसमें 300-400 ऐसी हॉट सेलिंग आइटम्स भी हैं जो कि इंस्टेंटली मार्केट में इस टाइम बिक रही हैं। ओके, ठीक है, वो चीज़ें भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपकी लॉन्ग टर्म में चलती हैं, ग्रॉसरी आइटम्स हैं, ठीक है, वो आपका सेल होता है, आपकी चीज़ें बिकती हैं। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उमर जब भी हम ई कॉमर्स स्टार्ट करते हैं, एक डिलीवरी पार्टनर्स यार कैसे लेके हैं, तो और दूसरी सोर्सिंग। तो इसके लिए भी कोई सॉफ्टवेयर है, कोई ऐसा आपने कर दिया कि आपको कुरियर में अकाउंट खुलवाने की जरूरत नहीं है? एग्जैक्टली, हमने इसके बारे में थोड़ा सा, देखिए मैंने आपको बताया इकोसिस्टम, सही, इकोसिस्टम अभी क्या है एक आसान अल्फाज में लोगों के लिए समझने के लिए, कि आप एक सिस्टम को प्लग इन करो उसके बाद सो जाओ, ऑटोमेटिकली पैसे बनते रहें, ये होता है इकोसिस्टम, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। आपकी कोरियर, आपकी लॉजिस्टिक्स, आपकी सोर्सिंग, आपकी वेबसाइट, आपकी मार्केटिंग, आपका कंटेंट, आपके डिज़ाइन, ये 7-8 चीज़ें उसको ऑटोमेशन के ऊपर लगा दिया। वाओ, ग्रेट, जबरदस्त, ठीक है, आई एम गेटिंग एक्साइटेड। अब वो चीज़ें ऑटोमेटिकली चल रही हैं, ऑटोमेटिकली आपके एड सर्व कर रहे हैं, आपके शॉपिफाई पे ऑर्डर गिर रहा है और वो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है पोर्टल के साथ, आपको CN बनाने की जरूरत भी नहीं है, जबरदस्त, आपको किसी कुरियर पे अकाउंट खोलने की जरूरत भी नहीं। मुझे कल ही एक कमेंट आया हुआ था, बल्कि इसी पॉडकास्ट सीरीज के नीचे कमेंट आया हुआ है, खातून गिरती कि मैं ये पैकिंग वैकिंग हैंडल नहीं कर सकती, तो प्लीज़ मुझे, मैं जॉब करी हूँ कहीं पे, मैंने ई कॉमर्स भी स्टार्ट करना है, तो इसका कोई सोल्यूशन बताएं, तो अच्छा, बना लिया आपने बेसिकली इसका पूरा का पूरा सिस्टम हमने ड्रॉप शिपिंग का एक बना लिया, जबरदस्त, ठीक है, ना आपको इन्वेंट्री खरीदने की जरूरत है, ना आपको स्टॉक रखने की जरूरत है, ना आपको पैकिंग करने की जरूरत है, ना कुरियर करने की जरूरत है। आपका काम क्या है, आपने उस पूरे पोर्टल में से प्रोडक्ट्स को उठाना है, वाओ, ठीक है, आपको बेचना क्या, वो आप वेबसाइट के ऊपर लगाओ, मार्केटिंग करो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, सिर्फ चीज को सिर्फ मार्केटिंग, सिर्फ मार्केटिंग आपने करनी है, फेसबुक करो, गूगल करो, टिकटॉक करो, ठीक है, टिकटॉक मार्केटिंग। अच्छा इधर भाई, हमने एक साहब को ऑनबोर्ड किया, मैं रिवील नहीं करता, जिसको टिकटॉक कहता है कि ही इज द फेस ऑफ टिकटॉक इन पाकिस्तान, नॉट एज अ टिकटॉकर, एज अ टेक्निकल पर्सन। फेसबुक की जो शॉप UK US से शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में, बिल्कुल उस बंदे के अंडर वो डेवलप हो रही है, वाओ, ठीक है, वो ये हमने ऑनबोर्ड कर लिया, ये हमने ऑनबोर्ड कर लिया, तो आप लोगों को भी इसकी दस्तरस हासिल हो सकती है यार। उमर, आई एम गेटिंग रियली एक्साइटेड यार। अब टिकटॉक को आपने कैसे यूज करना है, टिकटॉक शॉप कैसे बनानी है, ठीक है, पाकिस्तान में रहते हुए स्नैपचैट, ओके, अंडररेटेड है, यूज़ ही नहीं हो रहा पाकिस्तान में, यूज़र बहुत है, मार्केटिंग नहीं हो रही, सही, उसको कैसे आपने मार्केट करना है, गूगल के ऊपर पाकिस्तान में मार्केटिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल, सिर्फ फेसबुक और इंस्टा के ऊपर होती है, ऐसे ही ऑब्वियसली 70% चंक है फेसबुक और गूगल इंस्टा के पास, उस 30% का क्या, सही, जो कि अनटैप मार्केट है, सही। तो उमर, क्या करना पड़ेगा यार इस कोर्स को लेने के लिए, कैसे हम लोग इसको एक्वायर कर सकते हैं,
कहाँ से होगा, कहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है। देखिए, कोर्स पैसों से नहीं होता, कोर्स नियत से होता है। बिल्कुल ठीक है। एक डिटर्मिनेशन होती है, आपको टाइम निकालना है। अब 2 घंटे की क्लास है, 2 घंटे में आप कुछ भी सीख नहीं सकते हो। 2 घंटे में आपको डायरेक्शंस मिलती है आपने करना क्या है। बाकी के जो 22 घंटे होते हैं जो आप घर में गुजारते हो, बेसिकली वो आपका कोर्स होता है। ज़बरदस्त ठीक है। सो आपने सिंपली एक्सट्रीम कॉमर्स की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे लोकल ई कॉमर्स का टैब एक पूरा बना हुआ है, वहाँ से जाके अपने आपको रजिस्टर कर लो। 24 तारीख को हमारा एक लाहौर में मीटअप है, सेशन है, इंट्रो सेशन है बेसिकली। और ईद के फौरन बाद हम लोग अपनी प्रॉपर क्लासेस, फिजिकल क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अब सवाल पूछेंगे ऑनलाइन क्यों नहीं करेंगे? मेरी मर्जी। नहीं, अच्छा सीरियसली देखें, ऑनलाइन अभी ना करने का रीज़न क्या है कि ऑनलाइन में जो रिस्पांस क्रिएट होता है ना स्टूडेंट्स की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हमारे लिए क्रिएट नहीं कर रहा। ठीक है, हमने फिज़िकल भी कराए, मैं 6 साल ऑनलाइन पढ़ाता रहा, फिर मैंने फिज़िकल सेशन कराना स्टार्ट किए। अब फिज़िकल में स्टूडेंट का कंट्रोल है मेरे हाथ में, ठीक है, मैं उसको 24 घंटे भी एंगेज कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा लास्ट जो EME DHA में हुआ था, स्टूडेंट सुबह 10 बजे आता था और वो रात को 2-3 बजे अकेडमी से बाहर जाता था। अच्छा, मैंने उसको पूरा स्टूडियो बना के दिया, वो शूट भी वहीं पे कर रहा है, वो वहीं पे बैठ के सारे काम कर रहा है, और कोर्स ख़त्म होने से पहले 50,000-60,000 ऑन एवरेज हर बंदा कमा रहा है। ज़बरदस्त। ऑनलाइन में लोगों का ध्यान बहुत जल्दी बढ़ जाता है। आजकल आपको इंटरनेट का सबसे बड़ा इशू है। 2 घंटे के सेशन में तकरीबन कोई 2 घंटे आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही, ये हो रहा होता है। सही, ठीक है। ऑनलाइन भी स्टार्ट करेंगे, सही, बट फिज़िकल के ऊपर हम इसलिए ज़्यादा इस टाइम फोकस कर रहे हैं या तवज्जो दे रहे हैं कि स्टूडेंट हमारे पास फिज़िकली आए, उसके रिजल्ट हम क्रिएट करें। सही। स्टोर बना के देना है। ओके। उसके ग्राफिक्स हैं, कंटेंट है, मार्केटिंग है। आपको पता है मार्केटिंग 24 घंटे चलने वाली जॉब है। ठीक है, आप मार्केटिंग ये नहीं कि एक जगह बैनर लगा दिया और अब लोग बस खुद आके देखें और वो चले। ओके। फेसबुक मार्केटिंग 24 घंटे चलने वाली जॉब है। फिर डिफरेंट मार्केटिंग की और चैनल्स है, आप इंस्टाग्राम को देख लो, उसके ऊपर ऑर्गेनिकली बगैर पैसे लगाए आप किस तरह यूज़ कर सकते हो। फिर PR ब्लॉगिंग है, ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रही है कीवर्ड्स के थ्रू और हैशटैग्स के थ्रू। तो बहुत सारी चीज़ें जो कि आप उसमें कर सकते हो, जो कि हम लोगों को बताना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। और भाई लिमिटेड सीट्स हैं, कल तक देख रहा था मैं 101 तो आ चुके हैं। 50 की कैपेसिटी है, तो क्या आप इसको 2-3 बैचेस में करेंगे और लिमिटेड सीट्स रहेंगी? हम बच्चों की तय लगा देंगे ऊपर नीचे। क्योंकि हमारे पास जो जगह कैपेसिटी थी वो एक्सट्रीम कॉमर्स जो हमें अलॉट की थी वो 50 की थी, 30 था इनिशियली, बट हमने वो मुड़े छोड़े लगा के उसको 50 कर दिया था। और अभी जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन आ चुकी हैं वो 111 है। ठीक है, आप थोड़ा सा पीछे हो, 10 बैक रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं भाईजान। आई डोंट नो कि हम आपको कैसे अकोमोडेट कर सकते नहीं हैं। मैं उसके लिए थोड़ा सा अपडेट कर दूं इधर भाई, एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 2-3 बैचेस कर लें। अच्छा ठीक है, दूसरा रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। दूसरा एक्सट्रीम कॉमर्स का जो मेन उनका हॉल है ना, इनक्यूबेशन वाला, हम लोग उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। ओके ठीक है, मेरी सनी भाई से बात हुई, उनको मैंने सबसे पहले स्टूडेंट्स का वो फ्लो दिखाया, यार लोग सीखना चाहते हैं, लोग लोकल में आना चाहते हैं। और जो सबसे रिसेंटली आपने जो फ्री सेमिनार किया वहाँ पे, तो हाँ, खड़े हुए थे लोग, बैठने की जगह नहीं। देखें, चाम है ना लोकल ई-कॉमर्स का, और वक्त की ज़रूरत है, आपके मुल्क को आपकी ज़रूरत है सबसे इम्पोर्टेंटली। बिल्कुल, पाकिस्तान कैसे ठीक होगा? जॉब्स है नहीं, खुद कुछ कर सकते हैं आप, और अपनी रिसेंट पॉडकास्ट की पूरी सीरीज देख सकते हैं कि हाउ ई-कॉमर्स, लोकल ई-कॉमर्स इज बेसिकली चेंजिंग द लाइव्स ऑफ डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स। आपको बाहर से चीज़ें खरीदना बंद करनी होंगी और अपनी चीज़ें बनानी पड़ेंगी, और वो तभी बन सकती हैं जब आपकी लोकल इंडस्ट्री, जब आपके पास सेलर होगा। अब पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरर जो यहाँ पे बनाता था अच्छा 10-20 साल पहले, उसको देखा यार यहाँ पे कोई खरीदार नहीं है, ठीक है, उसने क्या किया, बाहर उसको बेचना नहीं, वो इन्वेस्टर बन गया, वो इम्पोर्टर बन गया। अब जब उसको चाम नजर आएगा तो वही दोबारा मैन्युफैक्चरर बनेगा। गुजरावाला की इंडस्ट्री देख लें, वो कितनी मेरी अभी लास्ट गुजरावाला चैम्बर में मैं गया था 2 हफ्ते पहले, सेम चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो रही थी कि हमारा जितना मैन्युफैक्चर था यहाँ पे वो कन्वर्ट हो गया इन्वेस्टर में, पैसा भी है उसके पास। अच्छा, पैसे की कमी नहीं है, करना चाहता है, वो ये कहते हैं मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो उसको खरीदेगा कौन, मेड इन पाकिस्तान के टैग के साथ कौन खरीदता है? और अगर इस तरह से इंडस्ट्रीज लगेंगी तो लेबर क्लास को जॉब्स भी मिलेंगी, लेबर क्लास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी,
पूरे जो मुल्क का जीडीपी है या इकोनॉमी है या रेवेन्यू है वो रिवाइव इसी चीज़ से करेंगे कि यहाँ करेंगे तो यहाँ की यहाँ का सेलर यहाँ का बायर, ठीक है, ये दोनों अलाइन हो जाता, इंडस्ट्री लगेगी, प्रोड्यूस करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, डॉलर आएगा तो डॉलर के प्राइस नीचे जाएगी। अब आपने कितने ब्रांड्स का डाटा देखा है? अरबों में है, अरबों में, अरबों में, ठीक है, बिल्कुल। क्या वो सारा बाहर से बनता है? नहीं, बिल्कुल सारा लोकल बन रहा है, लोकल लोग खरीद रहे हैं। कपड़ा यार, शर्टें, कपड़े, अनस्टेज, औरतें पागल हुई हैं भाई। मैट्रेस, मैट्रेस ऑनलाइन मैट्रेस आप सोचते हैं कभी बिक सकता है? द्रास पे टॉप कैटेगरी के ऊपर मैट्रेस है, मैट्रेस इतना बिकता है। क्यों बिकता है भाई? देयर इज अ बाइंग मेंटेलिटी राइट नाउ इन मार्केट, स्पेशली आफ्टर कोविड। लोगों को जो ऑनलाइन नहीं भी एक्सपीरियंस करते थे खरीदना, अब वो करते हैं। दिस अ ह्यूज मार्केट, इट्स कंटीन्यूअसली ग्रोइंग। नहीं, सवाल ये कि क्यों बिकता है? क्योंकि आप बेच रहे हो, इसलिए बिकता है। एग्जैक्टली, अगर वो मैं हो ही नहीं, मैं अमेजोन करना है, मैंने ईबे करना है, मैं तो वॉलमार्ट के ऊपर चलना हूँ बस। बेचने दुकान खोलोगे, शटर खोलोगे तो कोई बंदा अंदर आएगा ना, तब बिकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और हर चीज़ बिकती है, हर चीज़ बनाई ही बेचने के लिए जाती है। एनीथिंग, कभी किसी ने कहा यार मैंने ये बनाया, हाँ बेचना नहीं, बेचना और नहीं। आप तो ये मेरा बेचने का मूड नहीं है। शालवी से कैसे प्रोडक्ट्स ला के कैसे उनको पैक करना है, अपना ब्रांड बनाना है, प्राइवेट लेबल बनाना है और लोकल मार्केट के अंदर बेचना है, और 15,000 की इन्वेस्टमेंट से कैसे 6-6 लाख रुपए की सेल करनी है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं लोकल मैन्युफैक्चर को इंटरनेशनल लेके जा रहा हूँ। वाह, मैं आपको मिडिल ईस्ट में, आपको सऊदी वाली साइड पे वेयर हाउस दे रहा हूँ, यहाँ पे माल बनाओ, वहाँ पे माल रखो और इंटरनेशनल बेचो। वाह, माल कौन सा यहाँ पे जाएगा जो कि यहाँ पे बनता है? ज़बरदस्त, ठीक है। तो कोई लिमिट्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है। मैं यार पाकिस्तानी लेट्स सपोज ऑडियंस कितनी है यार, 7 करोड़ तो फेसबुक यूज़र है, ऑनलाइन कितना बेच लोगे? ठीक है, तो मैं आपको इंटरनेशनल लेके जा रहा हूँ। ज़बरदस्त, मैं आपको अमेज़ॉन पे लेके जाता हूँ। अमेज़ॉन पे बेचना क्या है? मेड इन पाकिस्तान। ज़बरदस्त, पाकिस्तान के ब्रांड जाएंगे। जब आपको पता है कि इंडियंस और बांग्लादेश ये मरते हैं पाकिस्तानी ब्रांड्स के ऊपर, कभी आप मिडिल ईस्ट में जाके वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स या जो हमारी आउटलेट्स वहाँ पे ब्रांड्स की खुल रही है, वहाँ पे जाके रश देखो, वहाँ की सेल देखो। ख़रीदने कौन आता है? इंडियंस, बांग्लादेशी। सर, इनसे बड़ा फैन पाकिस्तानी ब्रांड्स का और कोई भी नहीं है। सबर, और पाकिस्तान की लॉन और ग्रोन मार्केट है, ग्रोन मार्केट है, बिल्कुल ऐसा एस्टेब्लिश्ड मार्केट है। सो मैं आपको बताऊंगा, एक हमारी सीरीज़ भी आने वाली है लोकल ई-कॉमर्स, सॉरी ई-कॉमर्स ऑफ मिडिल ईस्ट, ई-कॉमर्स ऑफ सऊदी, ई-कॉमर्स ऑफ बांग्लादेश, ई-कॉमर्स ऑफ इंडिया। स्पेशली आप ट्रैवल भी कर रहे हैं? हाँ, ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ी सी रिसर्च भी कर रहे हैं, तो हैदर भाई के साथ आपको डिफरेंट जर्नीज भी दिखाएंगे, आपको डिफरेंट ई-कॉमर्स और ग्लोबली आपके अराउंड क्या हो रहा है। और एक और बहुत बड़ी ऑडियंस आने वाली है, 5-7 साल में आएगी, पर बेद मेगा वो बूम आएगी, वो अफगानिस्तान है। नो डाउट, बिल्कुल, उसने अभी आना है। फ्री करेंसी भी हमसे ज़्यादा स्टेबल है। हाँ, उसने अभी आना है, 5-7 साल में आएगी, पर वो आएगी ना तो वो बहुत ज़्यादा बूम के साथ आएगी, क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लोगों में वो रुझान और वो चीज़ें बन रही हैं, थर्स्ट है कि वो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाह रहे हैं। और सर वो हमसे आगे हैं, ठीक है, वो एक्सप्लोर नहीं किया गया उसको, उसको यू नो कोड बना के रखे हैं बट डिप्लॉय नहीं किए गए, ठीक है। right वो आपने पिछले दिन देखा, उन्होंने गाड़ी बनाई है, एक स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स कार बनाई है, सही, ठीक है, उसको वो इंटरनेशनली लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, 3-4 मुल्कों में उनके इवेंट्स हो रहे हैं, वो इंटरनेशनली लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ये भी दिल दुखता है, प्रोड्यूस उन्होंने किया है, हमारा मसला ये है कि हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी लोकल इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं कर रही। और हमारा मकसद यही है आप लोगों तक पहुँचाना कि किस तरीके से हम अपनी इस लोकल इंडस्ट्री को इतना ग्रो कर सकें कि बाहर वाले आएँ यहाँ और इस माल को, इस बनाए हुए प्रोडक्ट को प्रेफर करें। अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं और इस जर्नी के साथ जो है चलना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें, रजिस्ट्रेशन करवा लें, रजिस्ट्रेशन आर ओपन एट एक्सट्रीम कॉमर्स की वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर करवा सकते हैं और इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं और बहुत कुछ आगे आने वाला सीख सकते हैं। ये जो आज हमने ई कॉमर्स गपशप स्टार्ट की है, इसको हम इंशाल्लाह ऐसे कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश करेंगे कि पॉडकास्ट के साथ साथ ये गपशप आती रहे, जिसका हर दफ़ा कोई ना कोई एक नया टॉपिक होगा, कोई नया हम कोई ना कोई मसला रख लेंगे और ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स उमर मुबीन को इंशाल्लाह हम अपना इस पार्ट का, इस जर्नी का हिस्सा रखेंगे। तो इस फर्स्ट ई कॉमर्स गपशप के पार्ट से इतना ही, आगे आने वाले एपिसोड्स में ज़रूर साथ रहिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आप चाह रहे हैं एक्सपर्ट ओपिनियन। उमर मुबीन इज़ ऑलवेज हेयर फॉर अस। थैंक यू सो मच उमर भाई, थैंक यू सो मच इस गपशप के।